हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी से सामने आए पेशाब कांड से तो हर कोई वाकिफ है, जहां एक शख्स ने एक आदिवासी शख्स पर पेशाब कर दी थी। ये मामला काफी चर्चा में रहा। इस मामले के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के तौर पर कांग्रेस आदिवासी विधायक ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विधायक फुंदेलाल मार्को सिर पर गोल टोपी लगाए और कंबल का कोट पहने विधानसभा में दाखिल होते दिख रहे हैं। कि सीधी पेशाब कांड ने जिस तरीके से किया गया उससे पूरा आदिवासी समाज डरा सहमा है। सत्ता के नशे में लोग कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो झाबुआ का हो, चाहे इंदौर का हो, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे अन्य घटनाएं हो, चाहे मार के 20 फीट गार्ड देने वाली हो, चाहे सीधी की हमारी पेशाब कांड हो। हमने आज ये पहना है, इसको खोमरी कहते हैं, जो पानी में बचत होता है। हमारे किसान लोग के, आदिवासी समाज के लोग पहनते हैं, ये कंबल है जो पानी से जो है बचाव करता है। आज मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई भाई नशे के चूर, बहुत बुरा नशा का जो है बहुत होता है सत्ता का नशा, तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भी पेशाब कर दें। तो हमने जो है इसको पहन के रखा है कि ऊपर यदि ऊपर करेंगे तो मैं बच जाऊंगा, बगल में करेंगे बच जाऊंगा, इसलिए इसको पहन के हमने आया है। आपको बताते चले कि सीधी पेशाब कांड में आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर जमीन दोस्त कर दिया गया। आरोपी फिलहाल रीवा जेल में है।